हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैट से रिलेटेड, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्केल से क्या मतलब है और ओरिजिन से। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो चेंज ऑफ स्केल पढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इसके लिए सपोज हमारे पास एक गिवन सेट ऑफ डेटा है एक्स का, यानी एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये एक गिवन सेट ऑफ डेटा है। और अगर हम क्या करें, इस गिवन सेट ऑफ डेटा को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक्स को, एक्स की पूरी सीरीज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें सपोज, तो हमें क्या मिल जाएगा? वाई मिल जाएगा। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 2, 2 ज़ा 4, 3, 2 ज़ा 6, 4, 2 ज़ा 8, 5, 2 ज़ा 10, 6, 2 ज़ा 12, 7, 2 ज़ा 14, 8, 2 ज़ा 16, 9, 2 ज़ा 18 एंड 10, 2 ज़ा 20। तो हमने क्या किया है, ये जो चेंज है, जो चेंज मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ हो, या तो हम इस पूरी सीरीज को किसी भी डिजिट से डिवाइड कर दें, या कि हमने जो किया है हमने 2 से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो ये चेंज किया है हमने, ये चेंज ऑफ स्केल कहलाएगा। तो अगर हम अब देखें कि हम x सीरीज का मीन निकालें, मीन होता है समीशन ऑफ x अपॉन n। तो अगर हमें x सीरीज को पूरा ऐड करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन 10 तक, तो हम इसे ऐड करेंगे तो हमें 55 मिलेगा। और n कितना है, यहाँ से 1 से लेकर 10 तक नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 10 है। तो ये हमें मीन इसका मिलेगा 5.5। अगर हम y सीरीज का मीन निकालें, y क्या है, y एक ऐसा डेटा है जो हमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है। तो अगर हम y का मीन निकालें तो हम देखेंगे समीशन y अपॉन n। तो समीशन y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ हम इन सबको ऐड करेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 एंड सो ऑन विद अप टू द 20। तो हमें मिलेगा 110 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि नंबर तो 10 ही है, तो हमें मिलेगा कितना आंसर, 11। तो हम यहाँ पर रिलेशनशिप देखें इन दोनों का तो क्या पाएंगे, क्योंकि हमने इस पूरी सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम देख रहे हैं जो मीन में चेंज आ रहा है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ही आ रहा है। यानी हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो वाई बार है वो 2 × x बार है। तो अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे मीन में जो डिफरेंस आया है वो चेंज ऑफ स्केल की वजह से आया, और कितना आया है, 2 से। अगर हम इस पूरी सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई करते तो जो यहाँ चेंज आता है वो 3 के बराबर आता। तो हम इसे अगर एक आइडियल फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू बी एक्स, ये रिलेशनशिप है, तो वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स हो जाएगा। जो इस फॉर्मेट में चेंज दिखेगा वो हमें चेंज ऑफ स्केल की वजह से दिखेगा। अब हम चाहें तो अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन चेंज करके देखें, स्केल का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड से है, और ओरिजिन का मतलब प्लस या माइनस से है। यानी जो गिवन सीरीज है हमारे पास एक्स की, अगर हम उसमें कुछ ऐड कर दें या हम कुछ माइनस कर दें, तो हम देखेंगे अगर हमें जेड, मान लीजिए हम वाई दे चुके तो नेक्स्ट हम जेड कैलकुलेट करके देखेंगे। सपोज कि हम इन सब में 2 प्लस 2 कर रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्स सीरीज में प्लस 2 करेंगे, यानी 1 प्लस 2, 3, 2 प्लस 4, 2 प्लस 2, 4, 3 प्लस 2, 5 एंड सो ऑन। तो हमें ये नई सीरीज मिलेगी। ये सीरीज हमने कैसे कैलकुलेट की है, हमने एक्स सीरीज में हर एक आइटम में प्लस 2 किया है, तो हमें जेड मिला है। अब हम जेड बार निकालें तो क्या होगा, समीशन ऑफ जेड अपॉन एन। तो समीशन ऑफ जेड अपॉन एन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 7.5। तो हम ये रिलेशनशिप देख सकते हैं, जो हमने एक्स कैलकुलेट किया था वो 5.5 आया था, और जो हमारी जेड बार की एक्स बार की वैल्यू 5.5 आई थी, जेड बार की वैल्यू 7.5 आई है। यहाँ पर जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो कितना है, 2 का। यानी जितने का ओरिजिन, जो हमने ओरिजिन चेंज जितने से किया है उतना ही चेंज जेड बार में आया है। तो हम यहाँ जेड बार का चेंज को दिखा सकते हैं 2 प्लस x बार। तो इसका हम रिलेशनशिप अगर ड्रॉ करें तो कैसे होगा, जेड बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स बार। ठीक है,
अगर हमें इस फॉर्मेट में, या हम इसे कह सकते हैं z इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स, तो जो प्लस साइन या माइनस साइन के साथ चेंज होगा वो चेंज ऑफ ओरिजिन कहलाएगा, और जो हमारा मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ चेंज होगा वो चेंज ऑफ स्केल कहलाएगा। हम देख सकते हैं अगर हमें रेंज देखना हो, रेंज कि रेंज पर क्या असर हुआ है। रेंज होता है वो डिस्पर्जन का मेजर होता है, कि डिस्पर्जन हम मेजर करना हो तो हम किसे, डिस्पर्जन बहुत तरह से मेजर किया जाता है, उसी का एक होता है कि हम रेंज से भी डिस्पर्जन को मेजर करते हैं। तो अगर हमें रेंज देखना है तो हम देख सकते हैं अगर हम एक्स की रेंज निकालें, एक्स में रेंज निकालें, रेंज ऑफ एक्स निकालें, तो आप देख सकते हैं इसकी हाईएस्ट वैल्यू 10 है और लोवेस्ट वैल्यू 1 है। यानी अगर हम लार्जेस्ट माइनस लोवेस्ट करें तो 10 - 1 इज इक्वल टू रेंज ऑफ एक्स कितना आएगा हमारा, 9। और अगर हम वाई सीरीज की रेंज निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 20 - 2 दैट इज 18। तो यहाँ हम देखें कि रेंज में डिफरेंस जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, चेंज ऑफ स्केल की वजह से या चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो चेंज है वो हमारा है 9 - 2 = 18, 2, यानी 2 मल्टीप्लाई किया था हमने तो चेंज ऑफ स्केल की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन था। अब हम इसे कंक्लूड करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो मीन मीडियन और मोड, इन तीनों में से जो चेंज आता है वो सेम चेंज होता है। यानी जितना हमारा ओरिजिन में चेंज होगा या जितना स्केल में चेंज होगा उतना ही चेंज इन तीनों में आएगा। तो अगर हमें चेंज देखना है तो हम डायरेक्ट इसका चेंज दे सकते हैं, मगर अगर हमें रेंज, जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, जैसे रेंज, दूसरा होता है मीन डेविएशन, दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन और होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसमें जो चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ बी की वजह से होता है। बी का मतलब क्या है, चेंज ऑफ स्केल की वजह से होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हमने ये देखा, आज हमने ये देखा कि चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, और उसका इम्पैक्ट किस किस में कैसा होगा। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखें तो चेंज ऑफ स्केल का भी असर होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन का भी होगा, और उतना ही होगा जितना हमारा चेंज हम करेंगे स्केल या ओरिजिन में उतना ही चेंज हो जाएगा। और रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि मेजरमेंट है किस चीज़ के हैं, डिस्पर्जन के मेजरमेंट है, उस पर सिर्फ और सिर्फ स्केल का असर होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन का नहीं होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो, और कोई भी क्वेरीज है, सजेशन है या कॉम्प्लीमेंट है प्लीज़ कमेंट में दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया